Hi guys, welcome to Anushala by Anushree. This is the last lecture of class 9 civics chapter 1. In the previous lectures of this chapter, hum dekh chuke hain ki democracy kya hai and what are those basic features of democracy. Without those, the governments cannot consider themselves democratic. While we were studying about the case studies of the four countries, tab humne dekha tha ki all of them, they were pretending to be a democratic country. Now the question is that वो pretend क्यों कर रही थी, या कोई भी country जो पूरी तरीके से democratic नहीं है वो pretend क्यों करना चाहती है कि वो democratic है. इसका answer है, democracy is considered as the best form of government. Best form का मतलब ये नहीं है कि democracy perfect है या democracy में कोई problems नहीं है, कोई issues create नहीं होंगे, right? लेकिन democracy बाकी forms of government से better है. That is why सारी countries pretend करती हैं कि वो democratic countries हैं, ताकि world level पर उनका criticism ना. There is a need to understand democracy is best among the available options. लेकिन democracy के अपने issues हैं, कुछ problems democracy ऐसी create कर देती है जिसका solution ढूंढ पाना मुश्किल है, या जिसको maintain कर पाना मुश्किल है, जैसे corruption, मिसयूज ऑफ पावर, सिटीजन्स के राइट्स सिटीजन्स मिसयूज कर रहे हैं. तो ये सारी प्रॉब्लम्स कहाँ पर अराइज हो रही है, डेमोक्रेसी में अराइज होती है. नाउ डेमोक्रेसी बेस्ट इसलिए है बिकॉज इट अलाउज द सिटीजन्स टू करेक्ट देयर मिस्टेक. मतलब डेमोक्रेसी को लोग बेस्ट इसलिए मान रहे हैं क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसा क्राइटेरिया दे चुकी है पीपल को कि अगर उन्होंने एक बार इलेक्शन में ऐसी गवर्नमेंट को, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट कर दिया जो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, उनको ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो इन द नेक्स्ट इलेक्शन वो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं और फिर किसी और को वोट दे सकते हैं. फाइन. नाउ इन दिस लेक्चर हम ये समझने वाले हैं कि अगर डेमोक्रेसी बेस्ट नहीं है तो मतलब इसके भी कुछ नेगेटिव साइड्स हैं. It means, just like every other concept, democracy is also having its pro and cons. We will be doing a comparative study. Matlab, arguments against or arguments favor ko ek saath padhenge. But in this comparative study also, kuch points hai jo ekdam relate kar paayenge aur kuch points hai jo dono mein thode se different hai. So let us begin with it. Arguments against democracy. The first point is political instability. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है? अस्थिरता. कहाँ पर? पॉलिटिकल लेवल पर. मतलब कि एक कंट्री को हेड करने वाली जो गवर्नमेंट है, हम उसको हर 5 साल में इलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि हर 5 साल में वहां पर इंस्टेबिलिटी होने के पूरे चांसेस हैं. हो सकता है कि इस बार इलेक्शन में जो पार्टी गवर्नमेंट बना रही है, अगले इलेक्शन में वो हट जाए, उसके बाद वाले में हो सकता है फिर से हट जाए और कोई और आ जाए, है ना. मतलब कि बार बार पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है उसका चेंज होना पॉसिबल है डेमोक्रेसी में. और इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि ये एक इंस्टेबिलिटी कॉज करता है. और इंस्टेबिलिटी से असर क्या पड़ेगा? मोस्ट कॉमनली हम ये चीज देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, अगर अथॉरिटी चेंज होती है, तो पहले वाली अथॉरिटी या पहले वाली गवर्नमेंट की बहुत सी पॉलिसीज, बहुत सी स्कीम्स और बहुत से उनके जो काम चल रहे होते हैं उनको चेंज कर दिया जाता है बाय द नेक्स्ट गवर्नमेंट, जिसके कारण क्या होता है, आधा काम हो चुका है, अब आधे काम में उसको रोक दिया और उसको पिछला काम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ड्यू टू दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राइट. लेकिन अगर ये इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, या अगर हम ये 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन करके दूसरी गवर्नमेंट को बनाने का चांस नहीं देंगे, तो क्या होगा? ये जो गवर्नमेंट है ये अपना फेयर चांस ऑफ लूजिंग मिस कर देगी, ठीक है. और फेयर चांस ऑफ लूजिंग मिस हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसको डर नहीं रहेगा कि हमें हटाया जा सकता है, और डर नहीं रहेगा तो मिसयूज ऑफ पावर बहुत ज्यादा बढ़ेगा. इसको काउंटर करता हुआ क्या पॉइंट है? इट अलाउज अस टू करेक्ट आर ओन मिस्टेक्स. ये हमें हमारी गलतियों को सुधारने का मौका देती है, राइट. मतलब अगर इस बार हमने गलत व्यक्ति को वोट कर दिया तो अगले इलेक्शन में हम उसको वोट नहीं करेंगे और अपनी गलती को सुधार लेंगे. देन नो मोरालिटी, ओनली पावर प्ले एंड पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन.
डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर बहुत सारे राइट्स हैं सिटीजन्स के पास, जहां पर हर चीज के लिए, हर एक काम के लिए रूल्स बने हुए हैं, राइट? जैसे इलेक्शन के लिए यहां पर क्या बोला गया, नो मोरालिटी। इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसमें वो कोई मोरालिटी यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब जीतने के लिए वो कुछ भी करेंगे। एल्कोहल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, लोगों को लालच देते हैं। तो ये सब क्या है, पावर प्ले है, मतलब कि पावर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होना। और पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन जो है ये क्या करता है, एथिक्स के अगेंस्ट चला जाता है। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन क्या करता है, एथिक्स के अगेंस्ट जाता है, मतलब कि पॉलिटिकल पावर को जीतने के लिए एथिक्स को साइड में रख दिया जाता है थोड़ी देर के लिए। ये कहां पर होता है, डेमोक्रेसी में। बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, लेकिन हम सिर्फ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स देख रहे हैं, इसलिए हम डेमोक्रेसी की ही बात करेंगे ना। रूलर्स हैव टू अटेंड द नीड्स ऑफ पीपल, इट मींस रूलर्स के पास क्या है, अकाउंटेबिलिटी है, दे कैन नॉट इग्नोर द पीपल। यहां पर हम देख रहे हैं, एक तरफ आप जरूर कह सकते हो कि पावर में आने के लिए लोग गलत तरीके से कैंपेनिंग कर सकते हैं, गलत तरीके से पावर प्ले करेंगे या डर्टी पॉलिटिक्स खेलेंगे, लेकिन जब वो पावर में आ गए हैं, देन दे हैव टू टेक केयर ऑफ द पीपल, दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल। वो जीते कैसे भी हों, लेकिन अगर वो आने के बाद, यहां आने के बाद लोगों को अकाउंटेबल नहीं है या उनकी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे, उनकी डिमांड्स नहीं सुन पा रहे हैं, तो इनको यहां से हटाया जाएगा, नेक्स्ट इलेक्शन में इनको वोट नहीं मिलेगा। फाइन, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं से भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये सही है, ये तो गलत है ही, लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से आता है, उसको लोगों के लिए अकाउंटेबल होना जरूरी है। देन टू मच डिस्कशन लीड्स टू डिले, डेमोक्रेसी वर्क्स ऑन 3 D's, डिस्कस, डिबेट, डिसाइड। डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट है पीपल और पीपल का कंसेंट, मतलब उनकी मर्जी, और उनकी मर्जी हम कैसे जान रहे हैं, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब रिप्रेजेंटेटिव्स जब पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में आके बैठ रहे हैं, तो कोई भी डिसीजन जो लिया जाएगा वो 3 D's की मदद से लिया जाएगा, हर चीज को प्रॉपरली डिस्कस किया जाएगा, हर चीज पर डिबेट किया जाएगा, और फिर उसको डिसाइड किया जाएगा बाय द मेथड ऑफ वोटिंग। अगर इस डिस्कशन को मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं, तो यही ये डिस्कशन आगे बढ़ेगा, एक लॉ बनेगा, बिल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब यहां पर क्या बता रहे हैं, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्या है कि इतना सारा डिस्कशन पहले एक हाउस में होगा, फिर दूसरे हाउस में होगा, इसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, अगर प्रेसिडेंट ने बोला कि नहीं इसमें कुछ कमी है, तो दोबारा से लोकसभा में आएगा, वहां पर दोबारा इसको डिस्कस किया जाएगा, मतलब बहुत लॉन्ग प्रोसीजर हो जाती है जिसके कारण डिले होता है। अगर हमें कुछ जरूरी लॉज बनाने हैं या कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनको अभी के अभी जिन पर कंसर्न दिखाना जरूरी है, तो वहां पर डिले होता है। इसका काउंटर पार्ट क्या है, डिस्कशन इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिस्कशन किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन क्या कर रहा है, उस टॉपिक पर डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इंप्रूव कर रहा है। मतलब अगर किसी भी एक टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कस होकर, पूरे तरीके से उसके हर प्रो और कॉन को देखने के बाद उस पर डिसीजन लिया जा रहा है, तो डिसीजन सही होने के चांसेस ज्यादा है। अगर हम हड़बड़ी में या बिना डिस्कस किए या आधे एस्पेक्ट को डिस्कस करके डिसीजन लेते हैं, तो डिसीजन गलत होने के चांसेस ज्यादा है। और डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल, तो इतने लार्ज पॉपुलेशन के लिए जब भी कोई लॉ बन रहा है या किसी भी टॉपिक पर कंसर्न दिखाया जा रहा है, तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि उस पर प्रॉपर डिस्कशन हो, क्योंकि हड़बड़ी में अगर लॉ गलत बन गया, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान सोसाइटी को पहुंचेगा। देन इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। इसका कारण क्या है कि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट नहीं पता होता। इसका कारण जुड़ा हुआ है सेकेंड पॉइंट से, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में जाना इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि पावर है, राइट? लेकिन
वो ये भूल रहे हैं कि लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट जाने बिना अगर आप यहाँ जाओगे तो आप उनके लिए काम नहीं कर पाओगे, और काम नहीं कर पाओगे तो फिर पावर ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, राइट। इसलिए जरूरी क्या है कि जो भी व्यक्ति इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है वो लोगों की डिमांड्स को समझे, उनकी नीड्स को समझे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, और फिर जाकर जब वो गवर्नमेंट बनाएगा, जब वो पार्लियामेंट में बैठेगा तो वो उन टॉपिक्स को रेज करे, लोगों को अवेयर करे कि लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा है, और फिर जब अथॉरिटीज उस चीज को सुनेंगे, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस चीज को सुनेंगे तो उनको उनको एक तरीके से मौका मिलेगा एक लॉ बनाने का, लोगों की मदद करने का। इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी जब 3 D's पे काम करती है ना, तो यहां पर जब ये डिस्कस कर रहे हैं और डिबेट कर रहे हैं तो ये मौका दे रहे हैं हर अलग अलग माइंडसेट वाले व्यक्ति को बोलने देने का, है ना। कोई भी एक व्यक्ति जरूरी नहीं है एक टॉपिक पर सारे लोगों के विचार एक जैसे, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग अलग अलग माइंडसेट्स लेकर आते हैं, लेकिन एक ही टॉपिक पर जब अलग अलग एस्पेक्ट से डिस्कशन होता है तो कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस दोनों को, दोनों के लिए एक मीडियम पाथ निकालना आसान होता है, किससे, डिस्कशन की मदद से, और दैट डिस्कशन टेक्स प्लेस इन डेमोक्रेसी। देन करप्शन, करप्शन हम सब जानते ही, डेमोक्रेसी में ज्यादा क्यों होने के चांसेस हैं। अगर इलेक्शन प्रोसेस में देखें तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वोटर्स को, जो अनअवेयर है। अवेयर वोटर को आप फ्रीबीज नहीं दे सकते या आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, लेकिन जो अनअवेयर है, जो इलिटरेट है, या जिसको अपने राइट टू वोट की इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आ रही है, आप उसको ही मैनिपुलेट कर सकते हो। तो करप्शन यहीं से शुरू हो गया। इसके बाद पावर में लोग क्यों जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम करप्शन करके अपनी इनकम इंक्रीज कर सकते हैं, है ना, अपने लिए प्रॉपर्टी ज्यादा बना सकते हैं। देन ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड देयर बेस्ट इंटरेस्ट। ऑर्डिनरी पीपल मतलब वोटर्स, और यहां पर कौन से वोटर्स की बात की जा रही है, जो अनअवेयर है और इलिटरेट है, जिनको अपने वोट, राइट टू वोट की इंपॉर्टेंस नहीं पता है। क्योंकि उनको अपना ही इंटरेस्ट नहीं पता, इसलिए वो क्या करेंगे, जिस दिन वोटिंग करनी होगी आधे लोग तो वोट कर नहीं जाएंगे, और बाकी लोग, उनको पता नहीं होगा, वो उस दिन ईवीएम मशीन के सामने खड़े होकर डिसाइड करेंगे कि अच्छा इसको वोट देना है या इसको वोट देना है। क्यों, क्या ये सही तरीका है वोट देने का? बिल्कुल नहीं। सही तरीका वोट देने का क्या है कि आप पहले से मॉनिटर करो कि जो जिस व्यक्ति को आप वोट देने वाले हो या जो भी कंटेस्टेंट है आपके आसपास के एरिया में, वो उनका काम किस तरीका है। अगर वो नए कैंडिडेट है तो आप उनका बैकग्राउंड चेक करो, अगर वो पुराने कैंडिडेट है तो आप ये देखो कि इन्होंने पिछले साल या पिछले टर्म में कितना काम किया है, सही काम किया है या गलत काम किया है, आपके आसपास के लोगों को रिप्रेजेंट कर पाए हैं या नहीं, ठीक है। लेकिन अनअवेयरनेस के चलते ऑर्डिनरी पीपल जो है वो अपना बेस्ट इंटरेस्ट नहीं समझते, और इस अनअवेयर वोटिंग के कारण बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स पहुंच जाते हैं जो डिजर्विंग नहीं है, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स रह जाते हैं जो कि डिजर्विंग है। देन इट प्रोवाइड्स पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब यहां पर सिटीजन अवेयर हो, अनअवेयर हो, है ना, इलिटरेट हो या लिटरेट हो, किसी भी सोशल बैकग्राउंड को बिलोंग करता हो, सबको पॉलिटिकल इक्वालिटी दे रही है डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल इक्वालिटी कैसे देगी, हमने देखा था यूनिवर्सल अटल फ्रेंचाइज की मदद से, और वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, इन दोनों की मदद से यहां पर पॉलिटिकल इक्वालिटी सारे लोगों को मिल रही है। इट एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। कोई भी सिटीजन जो अपने आप में कोई अथॉरिटी कैरी नहीं करता, उसकी भी एक डिग्निटी कैसे बनती है, जब वो वोटर होता है, जब वो एक सिटीजन बन जाता है किसी कंट्री का, है ना, उसको अपने राइट टू वोट की जब इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि मेरे एक वोट से इलेक्शन के जो डिसीजन है वो चेंज हो सकते हैं, राइट। अगर मैं एक सही व्यक्ति को वोट करता हूं तो सोसाइटी का भला होगा, या अगर मैं किसी गलत व्यक्ति को वोट कर देता हूं तो सोसाइटी को कितना हार्म होगा, ये चीज समझते हुए जब सिटीजन्स वोट डालते हैं तो उनकी डिग्निटी जो है वो इंक्रीज होती है और उनके राइट्स का सही यूज होता है। सी, ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स है तो इनको रहने देना चाहिए, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट है, वी एज द पीपल ऑफ इंडिया, हम सबको कलेक्टिवली इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। करप्शन
कब कम होगा? जब सिटीजन्स करना बंद कर देंगे, तब ही जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो करप्शन करना बंद कर पाएंगे। ऑब्वियसली वो लीडर्स हैं, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सही चीजों को लेकर लीड करेंगे सोसाइटी को, लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर सिटीजन्स करप्शन करने के लिए तैयार है और हम पॉलिटिकल लीडर्स को बस ब्लेम करते रहें कि ये करप्शन कर रहे हैं इसलिए हो रहा है, तो दैट इज रॉन्ग। हमें भी अपना रोल वहां पर प्ले करना पड़ेगा, हमें अवेयर होना होगा अपने राइट टू वोट को लेकर। फिर इलेक्टेड लीडर्स को हमें क्लियरली ये चीज समझाने की जरूरत है कि हमारा बेस्ट इंटरेस्ट कहाँ पर है, और अगर इलेक्शन जीतने के बाद वो हमारी डिमांड्स का ख्याल नहीं रख सकता, तो अगले इलेक्शन में हम उसको हटाएंगे और अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। देन टू मच डिस्कशन लीड्स टू डिले, ये चीज कैसे सुधर सकती है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को इस बारे में अवेयर रहना चाहिए कि कौन से टॉपिक पर कितना डिस्कशन जरूरी है, और डिस्कशन जो भी हो रहा है क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या फिर बस ब्लेम गेम चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक पर कितना डिस्कशन नेसेसरी है और उतना ही टाइम उस टॉपिक को दिया जाए। देन यहां पर कैसे होगा, मोरालिटी कैसे आएगी, या पॉलिटिकल कंपटीशन के लिए लड़ाई कब नहीं होगी? ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, इसमें लोगों को एजुकेशन की भी जरूरत है और इकोनॉमी की भी जरूरत है। जब लोग एजुकेशनली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, तब वो इन चीजों को समझेंगे, ब्रॉडली समझेंगे, और एथिक्स जब उसमें ऐड होगा तब उनको समझ में आएगा कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों आ रही है, क्योंकि हम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करना जानते हैं और हमारे पास राइट्स है, साथ में जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके पास एक फेयर चांस ऑफ लूजिंग है, दैट्स व्हाई। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हर इलेक्शन में नहीं आनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो रही है। गवर्नमेंट को यह समझ आना चाहिए कि वो चेंज हो सकती है, दैट्स व्हाई वो अच्छा काम करे तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी वहां पर मेंटेन रहेगी। बट अल्टीमेटली पार्टीज का चेंज होना जरूरी है, लीडर्स का चेंज होना जरूरी है, अदरवाइज वो वही तरीके सेम तरीके से काम करते रहेंगे, ना उनके काम में इम्प्रूवमेंट आएगा और ना ही हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपनी पावर को मिसयूज नहीं करेंगे। सो आई होप आई मेड द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एंड आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी क्लियर टू यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।